सीएम गहलोत का लोकसभा चुनाव दौरा जारी है। सीएम गहलोत ने सबसे पहले जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किए। साथ में उन्होंने कहा कि जोधपुर वासियों ने मुझे हमेशा प्यार दिया है और हमेशा आप इसी तरह साथ देते रहना। वहीं सीएम के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट, अविनाश पांडे सहित कांग्रेस के विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर की जनता का सबसे ज्यादा आभार उन्होंने प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि जोधपुर की जनता ने मुझे हमेशा से प्यार दिया है और उन तीनों वादों के लिए मैं आज भी लगा हुआ हूं। सीएम गहलोत का चुनावी दौरा जोधपुर में है। वैभव गहलोत वहां के प्रत्याशी हैं। उनके समर्थन में जनता से वो वोट देने की अपील कर रहे हैं। सभा के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार पर और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मोदी सरकार को लेकर कहा है कि उन्होंने केवल 5 साल में जुमलेबाजी की है और जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया है। बात की जाए तो सीएम गहलोत के साथ में सचिन पायलट उनके साथ में थे, प्रभारी अविनाश पांडे भी उनके साथ में वहां मौजूद थे। पायलट ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। भाजपा ने 5 साल का हिसाब नहीं दिया है, ये बात सचिन पायलट ने साफ कही है। प्रदेश में सरकार बनने पर हमने गरीबों का ध्यान रखा है, मजबूर लोगों को फायदा पहुंचाया है। जब जब कांग्रेस सरकार रही, मारवाड़ पे विशेष ध्यान दिया गया। आप लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकारों ने जब जब सत्ता संभाली, तब जोधपुर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आए, चाहे वो एम्स हो, चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो। यहाँ पे जोधपुर में हाईकोर्ट की बहुत बड़ी बिल्डिंग स्थापना हुई। ये सब आपके आशीर्वाद और सहयोग और समर्थन की वजह से हुआ, क्योंकि आपने कांग्रेस के ऊपर विश्वास रखा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे विश्वास रखा। मैं इस मौके पे, आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ नामांकन की इस रैली में पधारे हैं, मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग मुझे आने वाली 29 तारीख को देंगे।